साफ सुथरी बात, मतलब पहले पुरानी क्लास रिवीजन कर ले, आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। जिस बच्चे को पुरानी क्लास का कुछ नहीं आता वो आज वाली क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 12वीं वाला शेयर कैपिटल आना जरूरी है, ये तो मैं हमेशा के लिए बोलूँगा आना चाहिए आपको। तो आज की क्लास क्या है सर? आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मजा आने वाला है, और इसमें से क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं इस बार उम्मीद करूंगा कि इस बार अगेन इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो आप चिंता मत करो, बच्चे कह रहे थे सर पुरानी क्लास कर दो। बेसिकली चैप्टर का नाम बोनस शेयर, और एंड मैं इसको कह दूं राइट इशू, एंड राइट इशू। नमस्ते। तो सर बोनस शेयर क्या है और राइट इशू क्या है, दोनों बातें हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, पहले ये कर लेते हैं, चलो आसान वाला पहले करते हैं। पहले हम कर लेंगे राइट इशू, ठीक है ना, फिर हम आगे आएंगे बोनस शेयर पे। तो सर सबसे पहले बता दो राइट इशू क्या होता है। राइट इशू, राइट का मतलब क्या है सर? राइट का मतलब क्या है? अधिकार, अधिकार, वहीं से बना ये राइट इशू। अधिकार यानी सपोज करो एक कंपनी है एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना, एक कंपनी है एक्स वाई जेड, और इस कंपनी का पहले से कुछ शेयर होल्डर है। मान लेते हैं पहला शेयर होल्डर एक, दो, और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे शेयर होल्डर है ए बी और सी। मुझे फटाफट से आप जवाब दीजिएगा, बताइए ये जो शेयर होल्डर है ये कंपनी के क्या है? क्या ये कंपनी के ऑनर होंगे या नहीं होंगे? शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होंगे या नहीं होंगे? पहले छोटे से जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से चैट में आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। क्या शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं या फिर नहीं होते? और ये इक्विटी शेयर है, तो सर बिल्कुल 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 ये हमारे कंपनी के ऑनर ही होते हैं, ठीक है सर। अब कंपनी कोई भी काम करेगा, कोई भी वर्क करेगा, कंपनी कोई भी वर्क करेगा, तो बताइए क्या इसको सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सर इन शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सभी ने दे दिया यस सर, यस सर, यस सर। अब मेरा दूसरा सवाल है कि कंपनी को कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम करना होगा अगर कंपनी को, तो इसको परमिशन लेना पड़ेगा किससे सर? शेयर होल्डर से। कंपनी ने एक फैसला कर लिया, और किससे पूछेगा पहले? शेयर होल्डर से। कंपनी ने एक फैसला लिया कि हमारे पास 3 शेयर होल्डर पहले से शेयर तो थे ही, हम और शेयर इशू करेंगे, हमें और शेयर चाहिए, एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में लेके आना है सर, एक्स्ट्रा शेयर लेके आना है हमें मार्केट के अंदर, एक्स्ट्रा शेयर। तो एक्स्ट्रा शेयर जब मार्केट में लेके आएंगे तो बताइए क्या कंपनी जो है, जो एक्स वाई जेड है, पहले इसको आस्क कर लेना चाहिए, इससे पहले एक्स वाई जेड कंपनी को पूछ लेना चाहिए किससे सर? ये वाले जितने भी हैं इन सभी को नाम क्या दूंगा मैं? शेयर होल्डर। इसको नाम क्या दूंगा मैं? शेयर होल्डर। तो सबसे पहले कंपनी को अगर एक्स्ट्रा शेयर इशू करना चाहता है तो किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से। और इनफैक्ट शेयर होल्डर से ये नहीं पूछना कि हम करने जा रहे हैं आप परमिशन देंगे, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा शेयर है, मान लेते हैं और भी शेयर हम इशू करने जाएंगे, तो हम बोलेंगे भाई देखो, कंपनी किससे बोलेगा? शेयर होल्डर से। कंपनी क्या कहेगा शेयर होल्डर से? भाई शेयर होल्डर, मैं जो हूँ शेयर बेचने जा रहा हूँ, तो मैं 3 शेयर बेचने जा रहा हूँ, फिर से मेरा एग्जाम्पल है 3 शेयर का, या मैं मान लेता हूँ कि मैं 1200 शेयर बेचने जा रहा हूँ, 1200 शेयर कंपनी ने फैसला किया कि बेचने वाला है, और ये 1200 शेयर कौन से हैं सर? ये नए वाले शेयर हैं सर, ये न्यू वाले शेयर हैं सर। ओके, नए वाले शेयर। तो पहले हम बोलेंगे आप अगर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, यानी हम पुराने शेयर होल्डर को, यानी हम जो पुराना शेयर होल्डर है, इस पुराने शेयर होल्डर को एक ऑफर करेंगे, क्या आप ये 1200 शेयर खरीदेंगे? हाँ या ना बता दीजिए। अब अगर ये डिनाई कर देंगे, ये बोलेंगे भाई मैं नहीं ले रहा शेयर, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, अभी अभी नहीं खरीदूंगा मैं शेयर, फिर ये शेयर जाएगा किसके पास? आम पब्लिक के पास जाएगा, आम पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है ना? तो जो कंपनी ने सब क्या कंपनी किसके पास गया? ये आम पब्लिक,
यानी पब्लिक के पास। तो सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कंपनी शेयर्स दोबारा इशू करती है लाइफ में तो सबसे पहले पूछेंगे किससे हम? सबसे पहले हम किससे पूछेंगे? पुराने वाले शेयर होल्डर से पूछेंगे कि आप ये शेयर खरीद लीजिए प्लीज। अगर पुराने वाला शेयर मना कर देता होल्डर तो फिर कहाँ चला जाता है वो? नए पब्लिक से पूछते हैं हम, ठीक है ना। पुराने वाले शेयर होल्डर को पूछा जा रहा है, देखो तो इसका राइट है सर, इसका क्या राइट है कि जो इशू हुआ है उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार इसका बनता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम राइट इशू। शेयर इशू करना तो वही हो गया नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट टू इक्विटी, प्रोसेस वही है। बस इस कॉन्सेप्ट को नाम एक नया चैप्टर में दे दिया गया, बच्चे से घबरा जाते हैं। तो भैया कंपनी ने तो करना है शेयर इशू, अगर पुराने शेयर होल्डर को कर दिया गया इशू तो राइट इशू है, नए वाले को दे दिया गया तो अलग है। और ये शेयर होल्डर को करा जाएगा तो जीवन में पहली बार तो इनको दिया था इसने, कंपनी ने लाइफ में पहली बार इसको दिया था, तो इनिशियली इसको दिया था, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आईपीओ। इसके बाद फिर अगर पब्लिक को दे देंगे तो इसको बोल देते हैं एफपीओ, एफपीओ, एफपीओ। सर सर क्या बोल देते हैं इसको? एफपीओ। एफपीओ का मतलब क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी सर एफपीओ जब कभी भी आता है मार्केट के अंदर तो हमेशा याद रखना पुराने जो शेयर होल्डर है ना जो कंपनी के अंदर है उन्होंने पहले ही मना कर दिया रिजेक्ट, तभी एफपीओ के लिए जाएगा वो। अगर पुराने शेयर होल्डर बोले नहीं भाई मैं खरीद लूंगा, मैं खरीदूंगा इस शेयर को, पहले मुझे दे दे तू, तो फिर पब्लिक के पास तो जाएगा ही नहीं, तो उसे बोलते हैं हम एफपीओ। तो हमेशा अमूमन देखा गया है कि एफपीओ में इतना अच्छा फायदा नहीं होता स्टॉक मार्केट में लोगों को, क्योंकि वो पहले से रिजेक्ट एक लोगों ने कर रखा है हमें, तो मेरा ये मानना है। सर अब जो इनको जो दिया जाएगा, हमारा मुद्दा क्या है सर? पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, इन्हीं को दिया जाएगा। तो इनको जो दिया जाएगा शेयर, जो इनको दिया जाएगा शेयर वो दिया जाता है मार्केट रेट से सस्ते पे। जैसे मान लेते हैं मार्केट प्राइस मेरे शेयर का क्या है सर? 100 रुपए का। हम इसको डिस्काउंटिंग प्राइस पे ऑफर करेंगे, बोलेंगे ले भाई तू 80 का ले लेना ये शेयर, क्या कर तू, तू कितने का ले ले भाई, ये शेयर ले ले तू मात्र 80 रुपए का, तो इसको हम दे देंगे। तो 80 रुपए का देंगे तो वही नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली कहानी चलने वाली है। तो सबसे पहले राइट इशू का मतलब समझ में आया? राइट इशू का मतलब क्या है सर? जब कभी कंपनी शेयर्स दोबारा, जो नए शेयर्स मार्केट में इशू करने से पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करती है, दैट इज अ राइट इशू। अब पुराने शेयर होल्डर में ऐसा नहीं हो सकता कभी भी ए बोले भाई मैं पूरे ले लूंगा 1200, हटा तू बी और सी, तू साइड हो जा, मैं सारे ले लूंगा 1200। नहीं, इनको एक रेशियो में अलॉट किया जाएगा, एक रेशियो में। तो इनको बोला जाएगा भैया मैं 1:1 में दे रहा हूं, मतलब अगर तेरे पास एक शेयर है तो तेरे पास राइट इशू कितने आएंगे? एक ही आएंगे। 1:1 का मतलब है तेरे पास एक अगर शेयर है तो एक मिलेंगे, अगर 100 शेयर है तो तेरे को कितने मिल जाएंगे? 100 मिलेंगे। 500 शेयर है तो तुझे राइट दे रहे हैं 500। दूसरी बात ये भी समझना, मान लेते हैं 1:1, मान लेते हैं इसके पास कितने शेयर थे, इसके पास मान लेते हैं कि 300 शेयर थे और 1:1 में दिया है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए एक और राइट इशू कितना मिलेगा, एक और राइट इशू कितना मिलेगा, कमेंट में बता दीजिए फटाफट सर, कमेंट में बता दीजिए कितना मिलेगा राइट इशू। 1:1 का रेशियो और ए के पास ऑलरेडी 300 शेयर है तो ए को कितना ऑफर आया होगा राइट इशू के लिए बताइए? ए को कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 300 ही आएगा राइट इशू के लिए। ए के पास जो ऑफर आने वाला है वो मात्र 300 आएगा। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया 300 300 300, बिल्कुल सही। राजलक्ष्मी आपने 150 दिया, 150 गलत जवाब है, सही जवाब है सर 300, बिल्कुल सही। अब जो 300 है ना, अब पता है क्या, हम ऐसा नहीं कह सकते अगर 300 आपको राइट इशू दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि ये 300 ही खरीदे। अगर ये चाहे ना तो इस 300 जो इसको मिलेगा, इसके पास राइट कितने का आया सर? राइट आया 300, तो इसकी इच्छा है, एक ही इच्छा है कि वो 300 में से चाहे तो 100 शेयर खरीद ले, चाहे 150 शेयर खरीदे, बोले भाई मैं 300 तो नहीं खरीदूंगा, मैं 100 ही खरीद रहा हूं, मेरे को 300 मिल रहे ना मैं 100 ही खरीदूंगा, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि उसे पूरा ही शेयर खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बोले मैं तो नहीं खरीदा, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो राइट इशू का मतलब क्या है? वेन एवर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, पुराने शेयर होल्डर को जब इशू करते हैं इन द रेशो, उसे बोला जाता है राइट इशू। जर्नल एंट्री क्या होगा? वही नॉर्मल जर्नल एंट्री जो शेयर कैपिटल में सीखा था। तो ये था सारा का सारा कहानी किसका सर? राइट इशू का था। होपफुली आपको राइट इशू की बात समझ में आ गई होगी।
तो हम राइट इशू के ऊपर एक काम करते हैं, फटाफट से राइट इशू को समझने के बाद हम बोनस भी समझ ही लेते हैं पहले, है ना, बोनस भी समझ लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। चलिए सर, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात, बोनस इशू। अब दूसरा है हमारा बोनस इशू। सर बोनस इशू क्या होता है? अगर हम बोनस इशू की बात करें तो ये है फ्री का, फ्री का शेयर। मतलब सर फ्री के शेयर से क्या मतलब समझे हम? यानी जो आपको शेयर्स दिया गया उसके बदले आपको पैसे नहीं लेना है। आप कुछ एग्जांपल लूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बोनस इशू है क्या। मान लेते हैं मिस्टर राम, मिस्टर राम के पास ऑलरेडी 500 शेयर है, मिस्टर राम के पास ऑलरेडी 500 शेयर है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एक ऑफर दिया। सर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एक ऑफर दिया कि अब हम कंपनी जो है 1:1 में बोनस शेयर देगी, 1:1 में बोनस देगी। तो इसका मतलब जिसके पास पहले से एक शेयर है हम एक शेयर क्या दे देंगे, फ्री में दे देंगे। तो इसका मतलब राम के पास 500 शेयर है, राम को और फ्री में शेयर मिल जाएंगे। कितने? 500 शेयर फ्री में मिलेंगे। अब इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्या आपको फ्री में शेयर मिलेगा तो मना करोगे? कोई मना नहीं करेगा। राइट इशू में तो मना भी कर देते थे, यहां पे तो कोई मना नहीं करेगा, बोला भाई दे दे। जो फ्री में 500 शेयर दिए गए, इस 500 रुपए का शेयर्स के बदले क्या राम से 1 रुपया भी लिया जाएगा? जवाब नो, 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, ये फ्री का शेयर है। तो सर ये कंपनी के लिए क्या है? एज अ लॉस। कंपनी इस लॉस की भरपाई करेगी। कहां से करेगी सर? सबसे पहला ऑप्शन CRR, दूसरा ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन जनरल रिजर्व, चौथा ऑप्शन P&L। इन जगहों से ये क्या कर सकती है? इस लॉस की भरपाई करेगी। इस लॉस की भरपाई करने वाली है। कौन भरपाई करेगी इस लॉस की? कंपनी करेगी इस लॉस की भरपाई। समझ में आ रही है बात आपको? भरपाई करने का मतलब जो नुकसान होगा ना उसको हम डेबिट और क्रेडिट, इससे सेटलमेंट जब जर्नल एंट्री पे आएंगे तो देख लेंगे। मेरा एक और सवाल, क्या सर हमेशा ऐसा ही बोनस शेयर में आएगा? नहीं सर, फ्री के शेयर दो टाइप के होते हैं सर, फ्री के शेयर दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको फ्री का शेयर पूरा ही मिल गया, एक तो फ्री में शेयर मिल गया, फ्री में शेयर मिल गया, और एक क्या करा मैंने, पार्टली, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना दिया, फुल्ली पेड अप बना दिया। लास्ट क्लास जब चल रहा था, ये क्लास डेफिनेटली हमारा किसके बाद बीच में स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा था 3 दिन मैं लूंगा आपका रिडेम्पशन के लिए, बाकी का टाइम मैं लूंगा बोनस। तो आज बोनस राइट इशू खत्म हो जाना है, ये दोनों चैप्टर पूरे ही खत्म हो जाएंगे, जितने बुक के क्वेश्चन है सारे सवाल भी कर लेंगे, 7-8 क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, तो आज की क्लास पूरी ये चली जाएगी। तो बीच में समझाना इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के बीच बीच में ये बोनस कहीं ना कहीं आ रहा था हर बार। तो सर बोनस शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? ये फ्री के शेयर होते हैं, या तो हम पूरा शेयर ही दे देंगे, या फिर अगर आपके कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो हम अपने पास से पैसे मिला के उसे फुल्ली पेड अप कर देंगे। मतलब सर हम यहां से पैसे निकाल के आपको फुल्ली पेड अप कर देंगे। चलिए यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए फटाफट। मैंने कहा XYZ लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एट द रेट 10 each पेड अप 6 per share। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड मेक फुल्ली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस इशू, बोनस इशू बाय वे ऑफ बोनस इशू। यानी सर सवाल का मतलब समझिए, सवाल क्या बोलना चाहता है? कहता है एक कंपनी XYZ लिमिटेड है और उस कंपनी के
जो शेयर थे वो 10,000 शेयर थे जो कि 10 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ मिला 6 रुपये। डायरेक्टर ने बोला चलो भाई 4 रुपये जो मांगना है उसे मांग लिया जाए, लेकिन मांगा हमने नहीं, उसे फुल्ली पेड अप डायरेक्टर ने अपने जेब से, डायरेक्टर का मतलब कंपनी ने अपनी जेब से ही क्या करा, उसे फुल्ली पेड अप बना दिया सर, उसे फुल्ली पेड अप बना दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री सिखा दो सर। सर यानी मेरा सर पैसा कितना देना होगा फुल्ली पेड अप में, मेरा पैसा कितना लगेगा? तो जवाब है सर पैसा जो लगेगा 4 रुपये मेरे जेब से लगेगा, टोटल 10,000 रुपये, यानी हमें 40,000 रुपये देने होंगे। पहले तो ये समझिए मुद्दे की बात है, कितने देने होंगे? 40,000 रुपये मुझे यहाँ पे देने होंगे, 40,000 देने होंगे। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है कि 40,000 देने होंगे? क्लियर है सभी को 40,000? अब इस 40,000 को कैसे दिया जाए? हम क्या शेयर होल्डर से ये 40,000 रुपये मांगेंगे? अगर हमने शेयर होल्डर से 40,000 मांग लिया तो किस बात का बोनस? फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, हम शेयर होल्डर से पैसे मांगेंगे तो नहीं, लेकिन उसको शेयर कैपिटल भी देना है। तो एंट्री देखिएगा क्या करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए सर 40,000, 40,000 बींग बींग पहले आप पहली एंट्री को बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट? पहली एंट्री में किसी को डाउट, फिर इसके बींग में लिख देंगे। नो चलिए सर बींग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, इसे ड्यू ही बोलेंगे। अब आ जाओ भाई, तुम्हें पैसे नहीं दोगे हमें कहां से? मैंने बताया सर जब कभी भी बोनस को देना होगा हमारे पास क्या क्या यूज करेंगे। तो बोनस कहां से दिया जाता है सर? बोनस देने के कुछ रास्ते हैं जो सरकार ने दे रखे हैं। सबसे पहले यूज कर लो CRR। सर CRR क्या होता है? इतना सीखा है हमने CRR, इसलिए पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर सिखाया ताकि आपको CRR का इंपॉर्टेंस पता चले, इसलिए बैक आना पड़ा। क्या करें, कुछ ऐसा ही है CRR। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद आप यूज कर लो जनरल रिजर्व, यूज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एनी काइंड ऑफ फ्री रिजर्व जिसे हम कहते हैं वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर सवाल में बताया ही नहीं है कि हमारे पास क्या है नहीं है, तो आप मान लेंगे आपके पास ना प्रॉफिट या जनरल रिजर्व कुछ ना कुछ होगा, अजम्पशन ले लेंगे। तो मेरे पास दे नहीं रखा सवाल में, मान लेता हूं मैं दे ही देता हूं सर। लो जी CRR मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से 1,00,000 रुपए का। ओके सर CRR 1,00,000 का एंट्री। अब CRR जब हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है। हाँ जी हाँ, तो फिर हम CRR को डेबिट कर देंगे। CRR अकाउंट डेबिट कितने का सर? 40,000। टू क्यों किया भाई CRR? बोनस इशू, बोनस इशू के लिए किया या बोनस शेयर इशू के लिए किया आपने? बींग बींग CRR यूज, CRR यूज फॉर बोनस शेयर, बोनस इशू। आगे अब बोनस इशू है, अब सर फाइनल कॉल को खत्म करो। शेयर फाइनल कॉल डेबिट है तो अब एंट्री करेंगे बोनस इशू, बोनस इशू टू शेयर, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए? जी ये हमारा डन हो गया। यहां क्या लिखेंगे? बींग बोनस इशू गिवन टू शेयर होल्डर,
हमने बोनस इशू दे दिया शेयर होल्डर को, समझ में आई बात आपको? तो बींग तो जनरल है, कॉमन है, हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे बोनस इशू कितने टाइप के हो सकते हैं? दो, या तो मैं पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाऊंगा, या जो पहले से फुल्ली पेडअप है उसको हम और शेयर देंगे और उसको देंगे रेशियो में। तो सर ये तो हो गया पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाना, अगर और शेयर आप रेशियो में दोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, हम कुछ एक सवाल देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट तो बता दीजिए, चैट में लिख के बता दीजिए, अभी डाउट मैं आपके देख लूंगा। क्या कहते हैं, साई एंटरप्राइजेस हैव अ सब्सक्राइब कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज ईच कॉल्ड अप, द कंपनी डिसाइड दैट, पॉइंट नंबर वन, 2,500 इक्विटी शेयर ऑन विच 70 रुपए हैज बिन रिसीव, जिसके ऊपर 70 रुपए रिसीव कर लिया, टू बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और इसी शेयर को रीइशू कर दिया 120 रुपए पर शेयर में। तो सर ये तो राइट इशू कहीं से भी नहीं लग रहा, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। हमें अगर राइट इशू आप बताते भी नहीं ना, इतनी कहानी तो अब भी कर देते एग्जाम में आता क्वेश्चन। तो इसका बी पार्ट आता है राइट इशू के अंदर, तो हम ए पार्ट तो पहले निपटा ले। तो ए पार्ट में देखा जाए तो सबसे पहले हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। चलिए सर, सर डेबिट कितने होंगे? 2,500 शेयर और पूरे कॉल्ड अप थे, कितने कॉल्ड अप थे? इसे कहता है कि जिसमें से पूरे 100 कॉल्ड अप है ही है, तो यानी 2,500 इंटू में 100 कितने होंगे? 2,500 इंटू में 100, तो ये तो 2,500, 2,0 और 2,50,000, और उसने दिए कितने? 70, तो 2,500 इंटू में 70 बताओ कितने आ गए? तो हमने कर लिया शेयर फॉरफीचर 175, और कॉल सीन एरियर में कितने होंगे? 2,500 इंटू में 30, बताइए क्या होगा? 2,500 इंटू में 30, 75,000। लो जी शेयर फॉर फ्यूचर रीइशू कर दें, बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 120 में दिया है तो प्रीमियम पे दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई जिनकी फर्स्ट क्लास है बच्चों को वो समझ में नहीं आने वाला ये वाला पॉइंट, और जिनको 12th का अच्छे साथ है उनको समझ में आ जाएगा ये। तो सर हम कितने करेंगे? 2,500 इंटू में 120 कितने हो गए? 3,00,000, 3,00,000 ही तो होंगे, और ये कितने आएंगे? 2,50,000, और ये 50,000। अब क्या आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व होता है, वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, दोनों फर्क है। सर पूरा ही आ जाएगा 175, 175। जी हां, पार्ट नंबर ए डन। पार्ट नंबर टू, अ राइट इशू टू बी मेड इन द रेशियो 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मतलब सर आपको राइट इशू दिया गया, आपको राइट दिया गया और बोला गया भैया आपको राइट मिलेगा एवरी 5 के बदले आपको मिलेगा। कहता है आ राइट इशू इज मेड इन द रेशियो 1 फुल्ली पेड अप शेयर, कहा गया आपको एक दिया जाएगा किसके में? 5 के बदले, ठीक है ना? 1 दिया जाएगा आपको किसके बदले? 5 के बदले, 5 के बदले आपको एक शेयर दे दिया जाएगा, 5 के बदले। एक मिनट, तो राइट इशू कैसे निकाले? सर राइट इशू निकालेंगे हमारे पास, देखेंगे पहले चेक करेंगे कितने शेयर है। तो सर पहले से कितने शेयर है सवाल नंबर वन में? 40,000। कितने शेयर हैं सर? क्योंकि ये थोड़े से कम पेड थे, दोबारा री इशू करके बन गए,
तो बोला गया भैया तुम्हें एवरी 5 यानी डिवाइडेड बाय 5 के बदले कितने मिलेंगे, 1। तो दैट इज आपको कितने शेयर का ऑफर मिला, 8,000 एट अ प्रीमियम 25 पर शेयर, यानी 100 वाला शेयर आपको एट द रेट 100 वाला शेयर में 25 रुपये ऐड करके मिलेगा। गिव जर्नल एंट्री, तो सर इसका क्या माने कि उसने लिए नहीं लिए राइट, तो सीधी सीधी बात है आप मान के चलिए उसने राइट शेयर ले लिए हैं। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, सर कितने होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 8,000, 8,000 इंटू में 125, 8,125 बताइए क्या होता है, 8,000 इंटू में 125 10 लाख, क्या बात कर रहे हो, 10 लाख भाई, अच्छा 10 लाख। इसके बाद टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन ये भी हो गए 10 लाख। चलिए सर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपए, नॉर्मल एंट्री करना है आपने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने होंगे, 8,000 इंटू में 100 यानी सर 8 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। राइट इशू खत्म, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने राइट इशू के सवाल किए हैं, आपको पता है राइट इशू क्या है सर। हम सिर्फ राइट इशू थ्योरिटिकल पार्ट में तो नजर आता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे, लेकिन नए जब सवाल करते हैं तो लगेगा शेयर ही तो देना है, तो शेयर देने का तरीका तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा ही है, फ्रेश इशू जैसे करते हैं वही रहेगा। समझ में आया, ये था हमारा राइट इशू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आ जाइए आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सर कौन सा क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। पहले सवाल को क्या कहता है, सवाल में, सवाल में कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आशा लिमिटेड एट ऑन 31 मार्च इज एज फॉलो, कहता है इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था सर इतने रुपए का, ऑथराइज कैपिटल का कोई काम ही नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 8,000 शेयर 10 रुपए का 1, जिसमें से 7.5 रुपए ईच अभी मांगा गया है, तो 8,000 का 80,000 शेयर 7.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 7.5 कॉल्ड अप है, 7.5 मांगा गया, मैं शायद गलत तो नहीं पढ़ रहा, ऊपर नीचे लाइन हो गया थोड़ा, यस सर, ये आपका 10 रुपए का 1 है, दैट इज ये 15 लाख, और 8,000 शेयर था इसका पेड अप कितना है 7.5, तो दैट इज 80,000, मैं 8,000 बार बार बोल रहा हूँ, इंटू 7.5, तो ये हो गया हमारा 6 लाख, ऐसे है आपका, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सर क्या है शॉर्ट फॉर्म में CRR पहले से है। प्लांट रिवेल्युएशन रिजर्व, सर ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, डेवलपमेंट रिबेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री एसेट्स दे रखा है। कहते हैं ही, कहते हैं द कंपनी वॉन्ट टू इशू बोनस शेयर्स इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना चाहती है एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, यानी सर हम 1 शेयर देंगे आपके 2 शेयर के बदले। नेसेसरी रेजुलेशन वर पास, और नेसेसरी रेजुलेशन पास हो चुका है, लीगल रिक्वायरमेंट वर कंप्लाइड। तो सर बोनस शेयर पे हम वापस से चलते हैं, कुछ बातें यहां पे लिख ली जाए बोनस शेयर पे। सर कंपनी बोनस शेयर जब मन चाहे तब दे सकता है, नहीं चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरे में था बाद में देखेंगे। तो नेसेसरी रेजुलेशन का मतलब हम बोनस शेयर देना चाहते थे, सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर लिए गए हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बोनस निकाल लें, यहां तक पढ़ के नंबर ऑफ बोनस, तो क्या कहता है 2 के बदले 1, तो पहले से कितने शेयर है, लेकिन सर पहले से शेयर तो 80,000, हमेशा फुल्ली पेड अप को देते हैं बोनस शेयर। चलिए आगे देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अफेक्ट द प्रपोजल बाय पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड यानी आस्था लिमिटेड में, शो द कंप्लीट बैलेंस शीट ऑन दिस। तो यहां पे कहा गया सर
कि हम बोनस शेयर देंगे, और बोनस शेयर देखा जाए तो 8, जबकि यहाँ पे पेडअप कितना था 7.5 रुपए। तो पहली बात, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? एक बार देखो बुक के अंदर, शायद मुझे लग रहा है, एक बार को देखना कोई लाइन तो नहीं मिसिंग रह गया। पूरा है, कंपनी वॉन्ट टू बोनस शेयर होल्डर टू द रेट ऑफ द एवरी 2 शेयर होल्डर नेसेसरी रेजोल्यूशन वर पास रिक्वायर्ड लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे बोनस शेयर में 2 बोनस शेयर हैं, एक के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना होगा। तो सर 2 बोनस शेयर कहाँ से आए? चलिए, ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले एक तो पार्टली पेड अप को बनाना पड़ेगा फुल्ली पेड अप, और एक फ्री वाले शेयर। तो मुद्दे की बात, पार्टली पेड अप कितने थे? 80,000। इसको कितना देना पड़ेगा? 2.5 मींस कितना खर्चना पड़ेगा? और हमें बताइए कितना खर्चना होगा हमें? तो जवाब है सर 2 लाख रुपए और खर्चने होंगे हमें अपने पॉकेट से। उसके बाद अब नंबर ऑफ शेयर्स जो निकल के आएगा वो एक्यूरेट निकल के आएगा। यानी सर 80,000 शेयर है, और मैंने कहा 2 के बदले 1 देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 × 1, दैट इज आपको कितने शेयर? 40,000 शेयर आपको फ्री के दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कितना खर्चा होगा? यहाँ पे खर्चा होगा हमारा 10 रुपये का 1 है, तो 4 लाख रुपये। यानी टोटल 6 लाख का इंतजाम करना है CRR, जनरल रिजर्व, जो भी है। पहले तो ये मुद्दा है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे तो 1.5 लाख है सर, और प्लांट रिवोल्यूशन यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 1.5 लाख है, और जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए। तो खूब सारा पैसा है, हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास 6 लाख रुपए अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए, तो पहले हम इस वाले पोर्शन को कर लेते हैं, इसके लिए जनरल एंट्री। तो सर इसके लिए क्या जनरल एंट्री करना है? देखिए, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कहानी सारे बींग वगैरह फॉर्मेट वगैरह वही रहेगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। किताब में भी फॉर्मेट आपको गिवन होगा। तो सर कितना आएगा? 2 लाख रुपए। इसके बाद क्या इस्तेमाल करें यहाँ? सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, चलो CRR। CRR कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 1.5 लाख। इसके बाद क्या इस्तेमाल करें? चलो GR कर लेते हैं। कितना इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? 50,000। मैं अलग अलग कर रहा हूं, आप चाहो तो इकट्ठा CRR बना सकते हो, आप चाहो तो एक साथ बना सकते हो, ठीक है? मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं। 2 बोनस इशू कितने हो गए? 2 लाख का इंतजाम डन, 2 लाख का इंतजाम डन। अब अगली एंट्री सर, अगली एंट्री करेंगे बोनस इशू टू, क्या करें? 2 शेयर फाइनल कॉल, और लीजिए जी 2 लाख रुपए। खत्म, एक पार्ट हमने खत्म कर लिया, दूसरे पार्ट पे भी चलते हैं सर। दूसरे पार्ट पे भी चलो, दूसरे पार्ट में क्या कहता है? फ्री का बोनस है ये भी। तो यहां पे एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हमें CRR क्रिएट करना होगा, यहाँ CRR सॉरी यूज करना होगा। तो हमारे पास देखा जाए CRR तो बचा नहीं, GR में बचा हुआ है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1.5 लाख। हमें चाहिए और पैसा, तो सर और जनरल रिजर्व से कर लेते हैं। जनरल रिजर्व से कितने निकाल लें? 2.5 लाख। टोटल 4 का इंतजाम करना है, तो जनरल रिजर्व से कितने निकाल ले? 2.5 लाख। और 2 बोनस इशू। ठीक है, अगली एंट्री बोनस इशू या बोनस शेयर इशू भी कह सकते हो। 2 इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का बड़ा मैं बोलूंगा, ये वाला ज्यादा आसान है ना, 2 एंट्री में कहानी खत्म। तो 4 लाख और 4 लाख, यहां 4 लाख लीजिए जी, खत्म।
खत्म। बताइए अब आपका और मेरे किताब के आंसर में, मतलब कि मेरे आंसर में और किताब के आंसर में फर्क आ सकता है सीआरआर को क्रिएट करने के अमाउंट में। तो मैंने कहा हम फ्री होते हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। मैं चाहता तो यहाँ पे पूरे 3 लाख, 2 लाख रुपए पूरे जीआर से भी ले सकता था, लेकिन आपको जैसे जैसे सहूलियत लगे, जैसे जैसे समझ में आए, वैसे पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया। चलिए सर, इसका रेशियो 5:1 होगा। 5:1 शायद पिछले सवाल की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है सारा? अगले सवाल पे चले जाए। चलिए एक और सवाल देखेंगे। मैंने कहा आज ये चैप्टर खत्म है, इसमें बैलेंस शीट भी बोला है। कहता है शो द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल। ओके, तो बैलेंस शीट भी बना लिया जाए। चलिए सर, नोट अमाउंट पर्टिकुलर, पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर का पार्ट फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर का पार्ट ए पार्ट शेयर कैपिटल, और बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस। बस और कुछ नहीं है। आ जाते हैं इसके टोटलिंग पे। बिल्कुल सर, यहां पे सेकेंड पार्ट एसेट, कुछ दे नहीं रखा तो इसी का टोटल लिख देंगे। अब हमें नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। सारा खेल नोट नंबर 1 और 2 में ही है। जी हाँ, सारा काम नोट नंबर 1 और 2 में ही है। चलिए सर, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल अमाउंट। सर शेयर कैपिटल में आएगा ऑथराइज कैपिटल, तो आपको याद होगा 15,000 शेयर, ऑथराइज कैपिटल कितने थे? 1.5 लाख शेयर 10 रुपए का एक, × 10, 15 लाख रुपए, और ये 15 लाख। अब आ जाते हैं इशूड शेयर। इशूड शेयर तो सर 8,000 पुराने थे, इंटू में 10 हो चुके थे, वो 8 लाख, प्लस बोनस भी आ जाएगा। बोनस कितने थे सर? बोनस शेयर कितने किए थे? तो 40,000 शेयर, तो 40,000 इंटू में 10, यानी सर 4 लाख, टोटल हो गए 12 लाख। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 12 लाख। अब आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। सर नोट नंबर 2 सबसे पहले क्या क्या दे रखा है देखते हैं। सर बुक की पीडीएफ? बुक की पीडीएफ नहीं है भाई, बुक की पीडीएफ कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, बुक खरीदनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन है सिर्फ यही मिल पाएगा। और 15 लाख कैसे हुआ सर? 15 लाख कैसे हुआ? ये 10 कम है जी। अरे 10 की बड़ी, मेरे को लगता है बीमारी हो गई इसकी। तो चलिए
अब ये सारे रिजर्व लिख लेते हैं आप बुक में जिसके पास है बताइएगा। सबसे पहले क्या है CRR 1.5 लाख रुपए, फिर इसी के हिसाब से यूज करेंगे ना। देखिए CRR है कितना है 1.5 लाख, माइनस यूज पूरा हो गया 1.5 लाख, तो CRR बचा 0। GR कितना था 3 लाख, 3 लाख में से यूज हो गया 2 लाख, तो बचा 1 लाख। 2 लाख यूज हो गए थे ना, देखो 50 तो यहाँ यूज किया और 2.5 यहाँ, ओ 3 लाख पूरे कर लिया हमने। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं करा हमने, पूरा कर लिया होगी, ओ शिट, तो माइनस 2.5 लाख, 3 लाख, तो ये भी क्या बचा, ये भी बचा 0। SP 1.50 और यूटिलाइज पूरे 1.50, 0। अब आलतू फालतू के रिजर्व में बता दो क्या क्या है। क्या प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का, 20,000, और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दो लाख 30,000, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का, 2.5 लाख, और बस जी कितने हो गए जी, 5 लाख। और यहाँ पे आ गए 5 लाख रुपए नोट नंबर 2, कितने हो गए ये 17 लाख, और ये भी कितने हैं 17 लाख। तो लो जी बैलेंस शीट मिल के तैयार 17 लाख। चलिए बैलेंस शीट भी बन गया ना, है ना। अगले सवाल पे चले, ठीक है। तो सवाल आपको अभी तक मुश्किल लग रहा है, इजी, मेरे मेरे हिसाब से तो इजी है ये, और इसके लिए पीछे का कोई इतना बड़ा रोल भी नहीं है, जिसको नहीं आता तो वो भी सीख जाएगा ये। तो पढ़ते हैं सर इसकी क्या मनोकामना है। कहता है दिव्या लिमिटेड एक्यूमलेट लार्ज प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूटिलाइज पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। कहता है खूब सारा रिजर्व है, इन ऑर्डर टू मेक कैपिटल रिस्पेक्टिव आपका ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन के लिए द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 8 लाख रुपए का, कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, और 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच 6 रुपीज पेड अप। मतलब सर कहता है भैया कंपनी का टोटल 8 लाख का हिसाब किताब है। देखो क्या कहना चाहता है, वर्किंग नोट कहता है कंपनी का जो कैपिटल है वो 8 लाख का है, 8 लाख। इस 8 लाख में देखा जाए तो सर इस 8 लाख में कहता है 50,000 शेयर तो फुल्ली पेड अप है, 50,000 शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से है, यानी सर 5 लाख, और बाकी के 50,000 शेयर में सिर्फ और सिर्फ 6 ही दिए हैं, तो दैट इज कितने हो गए 3 लाख। इन दोनों का जोड़ 8 लाख है, ये बोलना चाहता है। पहले सवाल को समझिए, समझ में आई बात आपको, आगे देखते हैं। कहता है द डायरेक्टर डिसाइड इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट अ प्रीमियम 5, बोलता है हम बोनस शेयर 5 रुपए पे देंगे प्रीमियम पे, कोई बात नहीं। फॉर एवरी फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड एट द मेक पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप, यानी सर जो पार्टली पेड अप है इसको फुल्ली पेड अप करेंगे, तो सर कितने पैसे चाहिए सर, 5, 50,000 और गुणा में 4, यानी यहाँ पे 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है टोटल। कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख की रिक्वायरमेंट है। एट द डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर बोनस शेयर द मेक वैल्यू अबव, इक्विटी शेयर स्टैंड 24 रुपए, जिस दिन करा गया उस दिन कितने रुपए का है सर, 24 रुपए। अज्यूम दैट द स्कीम एक्सेप्टेड लीगल और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो बोनस शेयर कितने के बदले कितने दिए गए ये तो बताए नहीं, कितने हैं
कहता है द डायरेक्टर डिसाइड इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट अ प्रीमियम 5। किताब दिखाइए एक बार, एक मिनट है मेरे पास किताब। कोई लाइन मिसिंग है क्या? बिल्कुल ठीक है सर, देखिए मिसिंग नहीं है। देखिए यहां पे लाइन देखिए, कहता है द डायरेक्टर डिसाइड इशू 1 एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर और वो भी 5 रुपए प्रीमियम पे फॉर एवरी, यानी जो फुल्ली पेड अप है उसको एक शेयर दे देंगे। तो फुल्ली पेड अप तो यही है ना? तो इसको यानी हमने 50,000 शेयर और इशू कर दिए, क्यों? एक के बदले एक, लेकिन हम जो इशू करने वाले हैं 10 रुपए तो था ही, और प्लस में इस 50,000 वालों से हम 5 रुपए और प्रीमियम भी नुकसान लेंगे, क्योंकि मार्केट में ये शेयर जो है ना वो 24 रुपए का बिक रहा है, तो बोनस शेयर देंगे तो वही रेट हमें एक तरीके से देखना पड़ रहा है, बाकी यहां पे कोई तुक बनता नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो सर 5 लाख और 2.5 लाख, यानी सर 7.5 लाख रुपए यहां इंतजाम करने होंगे। तो पहले इंतजाम का देख लो, पहले यहां तक देखो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पहले मैं क्वेश्चन क्लियर करूं। यहां तक क्लियर है आपको? रिपीट कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहना है कि एक दिया लिमिटेड है और उसके पास एक एक्यूमुलेटेड रिजर्व बहुत सारा है। एक्यूमुलेटेड का जो रिजर्व है ना वो खूब सारा रिजर्व है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूटिलाइज पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता है कि जो हमारे पास खूब सारा पैसा है उसको क्या कर लें, हम यूज कर लें। द फाइनेंशियल पोजिशन, द पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का 8 लाख है, यानी कंपनी के पास फिलहाल के लिए जो पेड अप जो शेयर होल्डर ने पैसे दिए वो 8 लाख है, और ये 8 लाख में से कंसिस्ट, जिस 8 लाख में 50,000 10 रुपए वाले शेयर हैं जिसने पूरे पैसे दे दिए, तो 50,000 10 वाले शेयर हैं यानी 5 लाख रुपए पूरे मिल गए, और बाकी के 50,000 शेयर 10 रुपए का एक ही था लेकिन उसमें सिर्फ 6 रुपए पर शेयर पेड अप था, तो सर इसके हिसाब से 3 लाख ही है, तो टोटल मिला के ये 8 लाख बन जाता है। द डायरेक्टर डिसाइड इशू, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इशू करेगा 1 फुल्ली पेड अप, एक फुल्ली पेड अप डिसाइड, डायरेक्टर ने डिसाइड क्या किया, एक फुल्ली पेड अप देगा बोनस शेयर एट अ प्रीमियम 5 रुपए, हम 10 वाली चीजें 15 के देंगे, फॉर एवरी फुल्ली पेड अप, यानी एक शेयर देंगे एवरी फुल्ली पेड अप। तो कौन से ऐसे शेयर है इन दोनों में से जो फुल्ली पेड अप है सर? ये तो 50,000 वालों को देंगे 50,000, दैट इज बोनस शेयर हो गए हमारे 50,000, और उसके लिए इंतजाम करना है हमें ये टोटल रुपीज के टर्म्स में पैसे। आगे कहता है और कंपनी ने यह भी डिसाइड किया कि सर जो पार्टली पेड अप शेयर है, मेक पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड, उसे फुल्ली पेड अप बना दिया जाएगा। समझ में आई बात आपको? यानी सर बड़ी बेसिक सी बात है, हमें टोटल पैसे जनरल रिजर्व से निकालने हैं 9.5 लाख, तो हम एंट्री करेंगे क्या सर? जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, टू बोनस शेयर, जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, कितने रुपए का बोनस देंगे? 9 लाख। आप ऑल दो अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, पहले इस एंट्री में किसी को डाउट है तो बताइए। मैंने अभी तक पढ़ दिया, इस एंट्री में किसी को डाउट है तो बताइए, इस एंट्री में कोई डाउट? बोनस पे प्रीमियम, बिल्कुल जो प्रीमियम है उस अमाउंट के साथ अपने नुकसान को बुक करेंगे हम, इस एंट्री में किसी को डाउट है तो बताएं। हमें टोटल कितने पैसे इंतजाम करना है? 7.5, इसके लिए 7.5 बोनस देने के लिए, और इसके लिए 2, तो मैंने टोटल जमा करके एक ही कर दिया, ऐसा नहीं है कि अलग अलग किया मैंने। बताइए
किसी को कोई डाउट इस वाली एंट्री में? नहीं। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री क्या करें, फ्री का बोनस शेयर दे दे 7.5 लाख का, तो 7.5 लाख का क्या एंट्री करेंगे हम? बोनस शेयर 750, जिसमें से सर इक्विटी शेयर होगा कितने का? 5 लाख का, और सर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2,50,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2,50,000। आगे आ जाते हैं, अब इसके नंबर लगा लेते हैं सर, इसका नंबर मतलब हमने बोनस की तो एंट्री कर दिया, तो शेयर फाइनल कॉल फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए सर? 2 लाख रुपए। और अगली एंट्री आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल के बाद बोनस शेयर टू शेयर फाइनल कॉल, लीजिए ये भी हो गया डन। एंट्री आगे पीछे हो सकता है, डेट नहीं मेंशन होता, क्लियर? सेकेंड अलग, बिल्कुल सेकेंड के अंदर फाइनल कॉल ड्यू करके हमें बोनस शेयर इशू करना था, इस बोनस शेयर को इशू करने को इकट्ठा मैंने यहां पहले एंट्री कर दिया है। आप यहां पे कोई सी एंट्री, मैं चाहूं तो ये वाली एंट्री पहले कर लूं, ये दोनों एंट्री बाद में करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना पहले बोनस शेयर का पहले अमाउंट क्रिएट कर लो, सीआरआर डीआरआर का यूज कर लो, उसके बाद आगे पीछे एंट्री चलेगा, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स जगह है यहां पे। बोनस इशू में जो था आपका, बोनस इशू में क्या था क्या था क्या था, राजकुमार अभी एक बार बस 5 मिनट बोनस इशू का ले लेते हैं। तो बोनस इशू में एक दिक्कत क्या था, एक और पॉइंट है जिसे हम समझ ले तो ज्यादा बेटर है। सर क्या पॉइंट है बोनस इशू में? एक सवाल हमारा लास्ट था, क्या था क्या था, ये था, ये हमने सवाल कहा था आज कर लेंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे। बाकी एक था नंबर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन, उस नंबर को मैं क्लियरिटी कर देता हूं कि क्या था। देखो कई बार बोनस इशू के लिए मैंने बोला कि सर बोनस इशू जो होगा वो दो वे में दिया जा सकता है, आपने बोला हाँ सर हमको ये तो समझ में आ गया। मैंने बोला दो वे कौन सा? आपने कहा कि सर जो बोनस इशू दिया जा सकता है, या तो आपको दिया जा सकता है बोनस शेयर्स यानी फ्री वाले शेयर, मैंने बोला बिल्कुल सही बोला, या फिर दिया जा सकता है आपको कौन से वाले शेयर? या तो फ्री वाले शेयर हो सकते हैं, दूसरा आपका हो सकता है हमारा पार्टली पेड अप को फुल्ली बनाना, पार्टली पेड अप को फुल्ली बनाना, ये दो चीजें हो सकती है। फ्री वाले शेयर में आपको जो बोनस इशू होगा वो रेशियो में गिवन होगा, और या फिर बोल सकता है इसके इतने बदले में इतने, तो रेशो में गीवन है अगर, तो अगर गीवन है आपको 1:10, तो लास्ट क्लास में थोड़ी सी बच्चे बोल रहे थे कंफ्यूजन, दोबारा देख लो, दोबारा जो बता रहा हूं वो कंफर्म ही रहेगा। तो यहां पे आपको एक तो मिलेगा 10 के बदले, और इनफैक्ट जो मैंने वीडियो अभी डाला भी था वो सारी चीजें मैं बिल्कुल करेक्ट करके डाल रहा हूं, 10 के बदले। यानी सर अगर मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 और बोनस इशू है 1:10, तो मतलब आपका बोनस शेयर आएगा
सर बोनस शेयर आएगा 10,000 और 1/10 यानी सर 1,000। अब कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? मान लेते हैं, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं, पहले क्या बताया नहीं बताया उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लीजिए, मैं बिल्कुल शुरू से ही लेके चल रहा हूं, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। मैंने बोला मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख और बोनस इशू है 3:5, इसका मतलब 5 के बदले में 3। तो कौन बच्चा बताएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर? फटाफट बता दीजिए नंबर ऑफ बोनस शेयर। नंबर ऑफ बोनस लाइव में जितने बच्चे फटाफट बता दे बोनस, सिर्फ मुझे नंबर निकालने में कंफ्यूजन और एक सवाल करेंगे। बच्चों ने बताया 3 लाख 3 लाख 3 लाख, चेक करते हैं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। इंटू में 3/5 यानी मीन्स 3 लाख, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें कुछ बच्चों को डाउट था, जिनको डाउट था वो पूछ लीजिएगा अभी। मैंने बोला मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लेते हैं 2 लाख और बोनस है हमारा 10:8, 10:8 तो बताना है आपने। नमन का भी 3 लाख, सभी बच्चों का 3 लाख, बताइए 10:8 में। टेन इज टू एट में बच्चों ने जवाब दिया है, वंशिका ने 2.5 लाख, गुनगुन ने भी दे दिया 2.5 लाख, हिमांशी ने भी बोला 2.5 लाख, और आप सभी ऑफलाइन वाले बच्चों का क्या है? 2.5 लाख, यानी इन्होंने भी 2.5 लाख निकाल दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और ज्यादा आपको क्लियरिटी की जरूरत है, आपकी बात मान के मैं 2.5 लाख लिख लेता हूँ। क्लियर है? अब सब बता दे सर, क्लियर हो गया? परसेंटेज वाला जो कल वाला कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, पॉइंट वाला तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर जिसका डाउट है वो बता दीजिए इस वाले पॉइंट्स के अंदर जो था, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए क्लियर है? अदिति शर्मा ने बोला सर क्लियर है।